मैं 15 मिनट पहले आ गया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये हमारी जन घोषणा में है पर अभी विचाराधीन है। तो बताइए कब तक हमारी आदरणीय महिला मंत्री विचार करती रहेंगी? वो बेचारी नहीं नहीं अभी मंत्री बनी है, उसको चमकाइए मत। नमस्कार दोस्तों, हम लगातार आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो कार्यवाही चल रही है उसके बारे में बता रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा है उसका 5वां दिन था। इसके जो प्रश्नकाल था उसकी शुरुआत की पूर्व सीएम अजीत जोगी ने कांग्रेस का जन घोषणा पत्र पढ़ा, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि जो संविदा कर्मी है, अनियमित कर्मचारी है, उनको कांग्रेस सरकार नियमित करेगी। इस मुद्दे पर उन्होंने सरकार की राय जानना चाहिए। साथ ही दिव्यांगों के मुद्दे पर किस तरह से उन्होंने मंत्री अनिला भेड़िया को घेरा और इस मुद्दे पर कैसे स्पीकर चरणदास महंत ने अनिला भेड़िया का बचाव किया, ये सारी कार्यवाही आप देखिए। जन घोषणा पत्र में लिखा है, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, अनियमित अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित किया जाएगा। क्या अपने जन घोषणा पत्र का पालन करते हुए आप इन दिव्यांग मितानों और बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ताओं को नियमित करेंगी? ये ऐसी सेवा दे रहे हैं जो और कोई नहीं दे सकता। विकलांगों की सेवा कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, पूरे साल उनको ले जाकर पेंशन दिलाना, उनको अस्पतालों में ले जाना, इस प्रकार के कठिन काम कर रहे हैं। तो बाकी को आप नियमित करें या नहीं करें, इनकी संख्या तो बहुत कम है। आपने खुद ही जो संख्या बताई है वो बहुत कम है। तो इतने कम लोग हैं तो क्या समाज कल्याण मंत्रालय इनको नियमित करने का काम करेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारी जन घोषणा में है पर अभी विचाराधीन है और ये पूर्णकालीन कार्य भी नहीं है, इसलिए अभी इसमें पर आपने जन घोषणा पत्र में लिखा है अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मी, ये तीनों में आते हैं। ये अनियमित भी हैं, ये संविदा भी हैं, ये दैनिक वेतन कर्मी भी हैं। आपने कहा कि इस पर विचार चल रहा है, तो बताइए कब तक हमारी आदरणीय महिला मंत्री विचार करती रहेंगी और इसको कार्य में परिणत करेंगी? कोई सीमा, समय सीमा आप बता सकती हैं? ये पूरा राज्य स्तर का मामला है और सभी विभागों का ये मामला है, ऐसा मेरे ही विभाग का नहीं है। तो इसमें विचार चल रहा है और इसका समय सीमा बताना असंभव। आप राज्य सरकार हैं, राज्य सरकार का मामला मतलब आप स्वतः राज्य सरकार हैं। मैं जब आपसे प्रश्न कर रहा हूं तो मैं राज्य सरकार से प्रश्न कर रहा हूं। राज्य सरकार का मामला है कह के आप नहीं टाल सकती। आप बताइए आप ये करने वाली हैं या नहीं? हमारे जन घोषणा में ऐसा है तो सब विचार करके ही इसमें निर्णय लिया जाएगा, इसलिए अभी समय सीमा बताना संभव। आपने जब जन घोषणा बनाया तब तो विचार किया था ना? अभी मेरे ख्याल से आपने जब जन घोषणा बनाया तब तो विचार किया था कि बिना विचार किए जन घोषणा पत्र में लिख दिया था? विचार करके ही जन घोषणा बनाया गया था, तो उस प्रक्रिया में आने के लिए भी तो अभी समय लगेगा। कितना समय लगेगा? सभी विभाग का एक साथ बैठ के ही विचार किया जाएगा। शिव रतन शर्मा, अच्छा, अरे मेरे प्रश्न अभी आदरणीय, मेरा प्रश्न अभी खत्म नहीं हुआ है। पहला प्रश्न है, मैं 15 मिनट पहले आ गया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो कृपया मुझे
सप्लीमेंट्री पूछने दी। चलिए करिए, पूछिए। मेरे विचार से जन घोषणा पत्र बनाने वाले भी यहाँ नहीं है और उत्तर देने वाले भी अंतिम रूप से नहीं है, संयुक्त जवाबदारी है। मैं समझता हूँ कि आप बाकी मंत्रियों का कोई अस्तित्व नहीं है, असंति की टिप्पणी सोच लीजिए। आप बीच में ना तो ना, मैं कह रहा हूँ आप माननीय जोगी जी, आप स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अंतिम निर्णय कौन लेता है ये पता है। वो बेचारी नई नई अभी मंत्री बनी है, उसको चमकाइए मत। वो मेरी रिश्तेदार हैं और इसलिए उनको मैं कभी चमका नहीं सकता, नहीं। पर मेरे से छोटी हैं तो थोड़ा जोर से बोल सकता हूँ। चलिए, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये योजना 2002 में चालू हुई थी और 2004 में समाप्त हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृपा पूर्वक इसको राज्य सरकार की योजना बनाकर चालू रखा। सबको दर्द होगा ये सुन के कि इनको 400 रुपया दिन नहीं, 400 रुपया महीना मिलता, और जब से 400 रुपया मिल रहा है 2002 में मेरे शासनकाल से और आज तक श्री भूपेश बघेल के शासनकाल तक 400 रुपया महीना मिल रहा है, ये कितनी शर्मनाक बात है। हम चपरासी को भी, अपने घर काम करने वाले को भी, जो आजकल रोजी ले रहे हैं, एक मिस्त्री भी 500-600 रुपया दिन कमाता है, ये सरकार, मेरी सरकार भी उसमें शामिल थी 2002 में, भाजपा की सरकार, और अब श्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार। इतना अरसा हो गया, 20 साल हो गए, इनको 400 का 400 मिल रहा है, कम से कम इसको तो बढ़ाने के बारे में आप आश्वासन दीजिए कि 400 सच में निंदनीय है, घृणास्पद है, किसी को 400 रुपया महीना आप दे रहे हैं, ये कितनी खराब बात है। इसको आप कम से कम बढ़ाएंगी ये बात तो कहिए, ये आश्वासन तो दीजिए। इनके जन घोषणा पत्र का बड़ा मैटर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 13-14 से शायद 100 रुपए उसके यात्रा भत्ता में जोड़ दिए गए हैं, तो 400 से 500 हो गया है। 100 रुपए शुरू से, वो यात्रा भत्ता शुरू से है, मुझे पूरी जानकारी है। हाँ, तो वो 500 हो गया है, मुझे घुमा नहीं सकती मंत्री, 500 हो गया है वो। हाँ। और इनका 100 रुपया यात्रा भत्ता है और उनको महीने में 4 बार बुलाया जाता है, यात्रा भत्ता में ही उनका 200-300 रुपया खर्च होता है, वो 100 रुपये का कोई मतलब नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य का, हमारे वरिष्ठ, हमारे आदरणीय जी का जो चिंता है, वो हम सब की चिंता है, तो आगे हम ध्यान रखेंगे और पूरी ये बात मैं अपने शासन के पास, हम सब कैबिनेट में बैठ के बात रखेंगे। 400 रुपया महीना मतलब 10 रुपया 11 रुपया दिन, लेबर एक्ट का उल्लंघन है अध्यक्ष महोदय। कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसमें लेबर एक्ट लगेगा, श्रमिक शोषण का नियम अधिनियम लगेगा और उसमें कार्रवाई होगी और सरकार के ऊपर होगी। अध्यक्ष महोदय, आप 400 रुपया दे रहे हैं, कोई तरीका है? अरे बोल दीजिए ना, 1,000-2,000 रुपया देंगे, उसमें बोल रहे ठीक है ना, हम ध्यान रखेंगे, बोल तो दिए, आगे आने वाले समय में पूरा ध्यान रखेंगे। आज इस सहानुभूति पूर्वक नहीं बल्कि गंभीरता पूर्वक लेते हुए आने वाले समय में अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि इनका जो भी मानदेय है बढ़ाने के बारे में शीघ्र निर्णय लें और अच्छा मानदेय मिले, ये आप सुनिश्चित करें। धन्यवाद। शिवरतन शर्मा जी, अध्यक्ष जी, एक आखिरी आखिरी आखिरी, इसके बाद नहीं पूछा जी, और इसका संबंध आपसे भी है इसलिए पूछ रहा हूँ। वर्ष 2016 में अधिनियम बनाया गया दिव्यांगों को
संरक्षण देने के लिए, और उसमें जो उसका पालन नहीं करता है उसको 6 माह से 5 साल की सजा देने का प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इस अधिनियम में ये प्रावधान है कि जो व्हीलचेयर पर चलता है उसको किसी भी सार्वजनिक स्थल तक पहुँचने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मैं अगर आज अपने सेक्रेटरी जनरल से मिलना चाहूँ तो नहीं मिल सकता हूँ, क्योंकि इन सीढ़ियों में वो सुविधा नहीं, और मैं अगर इसको केस दायर कर दूँ तो 6 महीने से 5 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि ये सार्वजनिक स्थल है। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि क्या आप सख्त निर्देश देंगी कि इस अधिनियम का पालन हो, और जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जितनी सार्वजनिक बिल्डिंग है, उनमें निश्चित हमारे दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर में आसानी से जाने की सुविधा हो, जिसमें ये विधानसभा भी शामिल हो। मेरे हिसाब से विधानसभा का अंदर सार्वजनिक स्थान शायद नहीं माना जाएगा। ये सार्वजनिक नहीं है, आपकी नहीं, शायद नहीं माना जाएगा। अध्यक्ष महोदय जवाबदारी से बोलिए। नहीं बोल रहा हूं, ये सार्वजनिक नहीं है तो फिर तो कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। नहीं मैं वो उस दिशा में नहीं बोल रहा हूँ। ये सरकारी बिल्डिंग है और ये जनता के लिए बनाई गई है, जनता के प्रतिनिधियों के लिए बनाई गई। मैं इस कक्ष की बात कर रहा हूँ, नहीं माना जाना चाहिए शायद, फिर भी आपके विचारों को ख्याल में रखते हुए हम कोई इसमें नया विचार शुरू करेंगे, ताकि आप हमारे प्रमुख सचिव से आप इसमें 6 महीने से 5 साल की सजा है, और ये 2016 में मैं जब सांसद था तो मैंने आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल गांधी से लड़कर इस अधिनियम को मैंने खुद ड्राफ्ट किया है। ये मेरे द्वारा बनाया गया अधिनियम है, इसलिए मैं जानता हूं कि इसका पालन नहीं किया जा रहा है और इसका पालन किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी आप जवाब दीजिए, अध्यक्ष जी से मैं नहीं पूछ रहा हूं। सुगम्य भारत के अभियान के तहत हर आपके सरकारी भवनों में ये व्यवस्था कराया जा रहा है, और धारा 40 का भी पालन किया जा रहा है, और जहाँ नहीं हो रहा होगा वहाँ भी हम दिखवा लें। अरे मैं सेक्रेटेरिएट में नहीं चढ़ पाता हूँ, कहाँ कराया जा रहा, आपकी बिल्डिंग में नहीं कराया जा रहा। वो भी दिखवा लेंगे सर, आप दिखवाएंगे जी, करवाएंगे, आपकी बनवा लेंगे, आपकी व्यवस्था करें। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से चाहूंगा कि कुछ दखल दें। अध्यक्ष जी सचमुच बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मसला है, दोनों पक्षों से आदरणीय मंत्री जी जो उत्तर दे रही हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा आदेश है और सरकार ने भी आदेश दिया हुआ है, जिन जिन सार्वजनिक कार्यालयों में, शासकीय कार्यालयों में ऐसी व्यवस्था नहीं उसको किया जाए, लेकिन जिन स्थानों का जिक्र माननीय जोगी जी कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी उसको भी दिखवाएंगे। दिव्यांगों का संपूर्ण सम्मान और जिस तरीके से केंद्र सरकार के निर्देश हैं उसका पालन होना ही चाहिए, मैं आदरणीय जोगी जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं। दिव्यांगों का पूर्ण सम्मान करते हुए मैंने पूरा 16 मिनट इस पर दिए। मैं 15 मिनट पहले आ गया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये हमारी जन घोषणा में है पर अभी विचाराधीन है। तो बताइए कब तक हमारी आदरणीय महिला मंत्री विचार करती रहेंगी। वो बेचारी नहीं अभी मंत्री बनी है, उसको चमकाइए मत। तो देखा आपने किस तरह से पूर्व सीएम अजीत जोगी ने सरकार और मंत्री अनिला भेड़िया को घेरा, हालांकि वो सरकार और मंत्री अनिला भेड़िया के जो जवाब था उससे संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन इस मुद्दे पर स्पीकर चरणदास महंत ने कहा कि इस मुद्दे पर बहस के लिए हमने 16 मिनट का वक्त दे दिया, इसके बाद उन्होंने अगला सवाल लिया। तो आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा कवरेज की कार्य